तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में कस्टम टोटम को ले सकते हो या फिर कस्टम टोटम की स्किन को लगा सकते हो। तो बिना आपका वेस्ट टाइम किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे अपने माइनक्राफ्ट बेडरॉक में या फिर पॉकेट एडिशन में इनेबल करना। सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र एप्लीकेशन में आ जाना है और वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कस्टम टोटम मेकर। आपको जो फर्स्ट वाली लिंक मिलेगी आपको पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप इस वाली वेबसाइट में पहुँचोगे। यहाँ पर पहुँचने के साथ ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और अपने जो चैनल का नाम या फिर अपना नाम कुछ भी आपने यहाँ पर डाल देना है और नीचे चूज फाइल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी माइनक्राफ्ट की स्किन को भी इम्पोर्ट कर लेना है। तो हमारी स्किन इम्पोर्ट हो चुकी है। अब हमको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो जावा वाला दिख रहा होगा इस जावा को आपने बेडरॉक एडिशन में कर देना है। अब आपको डाउनलोड पैक के क्लिक कर देना है और अपनी जो फाइल है वो अपनी डाउनलोड हो जाएगी। फाइल को डाउनलोड करने के बाद अब हमको जाना है फाइल मैनेजर में और आप किसी भी फाइल मैनेजर एप्लीकेशन में जा सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड में जा करके उस वाली जो फाइल होगी उसको आपने रिनेम करना है और रिनेम करने में आपको उसमें से जिप को हटा देना है तो ये एमसी पैक बन जाएगा। तो आप इसको इसे रिनेम कर लेना। अब आपको जो एमसी पैक है इस पर आपने क्लिक कर देना है, फिर डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है, फिर यहाँ पर मोर में जाके माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ओके गाइस, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और आपको ये जो टोटम है इसको लगाने के लिए आपको कोई भी नई वर्ल्ड बनानी है या फिर जिस वर्ल्ड में आपको इसको लगाना है वहाँ पर आप रिसोर्स पैक में जाके इसको लगा सकते हो। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।